तो ये जो वीडियो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ ना, वो वीडियो उत्तर प्रदेश के जनपद थाने सीतापुर का है। क्योंकि आपने पुलिस को डंडे भाजते आम जनता पे तो जरूर देखा होगा, लेकिन एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के ऊपर डंडे भाज रहा है ये आपने कभी नहीं देखा, ये दुर्लभ नजारा है। तो चलिए दोस्तों इस खबर को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़ आपको मिलती रहे सबसे तेज सबसे पहले, और आई लिंक पे आप क्लिक करके और भी ऐसे वायरल वीडियोस देख सकते हैं। तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर का है। जी हाँ, आप जो वीडियो विजुअल्स देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का है और जनपद सीतापुर, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि मुझे दिखाने का भी मौका मिल गया, जिसे एक सिपाही अपने ही दरोगा पर लाठी भाज रहा है। जी हाँ, एक सिपाही दरोगा पर भारी ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसे डंडे भी मार रहा है, और ये पूरा फुटेज जो है वहाँ खड़े एक शख्स ने इसका पूरा वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपने लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को, आम जनता के ऊपर ऐसी कार्रवाई करते जरूर देखा होगा, रौब झाड़ती हुई जरूर देखा होगा, पर इस बार मामला कुछ और है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो सीतापुर जिले के कोतवाली का है। अब हम आपको बताते हैं ड्यूटी को लेकर कि यहाँ पे नाराज़गी थी, और इनकी ड्यूटी जहाँ लगाई गई थी बैठ के वो ड्यूटी कर रहे थे, और दरोगा ने इनको जब टोका तो इन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसे कैसे टोक सकते हैं, तो विवाद इतना बढ़ा कि जो सिपाही उसे इतनी गुस्सा आई कि उसने लाठी भाजना अपने ही सीनियर, अपने ही दरोगा पे शुरू कर दिया। बता दूं कि दरोगा जी का जो नाम है वो है रमेश चौहान, सिपाही का नाम राम आश्रय यादव है, और पुलिसकर्मी भी वहां आ गए और इन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। जब इस सिपाही ने देखा कि इसे बचाने के लिए और पुलिस आ रही है, तो इसने डंडे को और जोर से भाजना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इसने पैरों पे और पीठ पे भी उनके वार किया, और साइड में खड़े किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। और एसपी एलआर कुमार ने और जानकारी दी कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्या ये मामला था। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, इतने बड़ा विवाद खड़ा हुआ। तो अभी आप जो सुनेंगे वो एसपी एलआर कुमार को सुनेंगे, और वो इस घटना की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। में एक प्रकरण सामने आई है, उसका वीडियो वायरल हो रही है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर को एक हेड कांस्टेबल ने लाठी लेकर उनके साथ मारपीट करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। ये प्रकरण आज सुबह कोतवाली क्षेत्र का एक पिकेट लाइट ड्यूटी में सिपाही को हेड कांस्टेबल तैनात किया गया था। ये बात संज्ञान में आई थी, सब इंस्पेक्टर ने, वो बैठा हुआ था, उसको बताया गया था आप खड़े होकर ड्यूटी करिए, तो उस पर कासूनी कर उन्होंने इनसबॉर्डिनेशन और इनडिसिप्लिन करते हुए वर्दी में उनके साथ मारपीट किया, और इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित हेड कांस्टेबल को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और उसके बाद आगे इनकी मेजर पनिशमेंट के लिए संशोधित किया गया है। ये आदेश को ना पालन करने के लिए और आपातकालीन स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट तब लागू हुआ है नहीं करने के लिए संबंधित सिपाही के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51 के अंदर भी मुकदमा लिखकर कार्रवाई किया जा रही है। इसके अलावा विवाहिक कार्रवाई के अंदर मेजर पनिशमेंट के लिए संशोधित कर उसके आगे रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई किया जाएगी।